बुरहानपुर जिले के ग्राम मातापुर में मजदूर किसान की बेटी रोशनी ने कक्षा 12वीं में 77% बनाए, जिससे उसकी बेटी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से स्कूटी दी गई। परिवार में खुशी का माहौल है। पिता खेत में मजदूरी का काम करते हैं, जिन्होंने अपनी कमाई से आज तक साइकिल भी नहीं खरीदी थी, लेकिन बेटी की अच्छी पढ़ाई करने से अब घर में स्कूटी आई है, जिसको लेकर पूरे परिवार और ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बेटी रोशनी ने सरकारी स्कूल से गणित संकाय से कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी कर स्कूल में टॉप किया। 77% अंक मिलने पर बेटी रोशनी का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चलाई जाने वाली स्कूटी योजना में चयन हुआ, जिसको लेकर आज बेटी को स्कूटी मिली तो उसकी खुशी नहीं देखते बनी। उसमें इतना उत्साह था कि उसने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार माना और कहा कि सभी विद्यार्थी मेरे जैसी पढ़ाई करें ताकि उनका भी इस योजना में चयन होकर उनको भी स्कूटी मिले। अब रोशनी का कहना है कि मुझे स्कूटी मिलने पर मैं कॉलेज इसी स्कूटी से जाऊंगी। नहीं, अब स्कूटी मिलने आ रही, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब मध्य प्रदेश में पहली बार किसी को स्कूटी मिल रही है और वो भाग्यशाली बच्चे हम हैं, इसलिए मामा को ढेर सारा प्यार और उन्हें दिल से धन्यवाद। कहाँ रहते हो आप? मैं भानपुर जिले के छोटे से गाँव मातापुर की रहने वाली हूँ। कितने परसेंट आपके बारे में? 77%। क्या नाम आपका? रोशनी। नहीं, अब क्या मिलने आ रहा है आपको? स्कूटी मिल रही है। प्रेरणा भोईटे, लालबाग में। मैं गवर्नमेंट लालबाग स्कूल हायर सेकेंडरी। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे स्कूटी मिलेगी, पर मेरा सपना पूरा हो रहा है। मुझे स्कूटी, मैंने सोचा था कि मुझे मिलेगी पर मिल गई अभी। प्रेरणा भोईटे, बहुत अच्छा लग रहा है। और मामा की वजह से हमारे पेरेंट्स भी और हमारे टीचर लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। ओजस्विनी प्रमोद महाजन। कैसा लग रहा है जी? हमें बहुत खुशी हो रही है। मामा का बहुत बहुत ढेर सारा धन्यवाद करना चाहते हैं। हम भांजियों का आशीर्वाद मामा के साथ है और ढेर सारा प्यार, स्नेह और धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत। क्या पहले आप क्या थी स्कूटी? हाँ, स्कूटी थी आप क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहली बार मिल रही है? पहली बार मिल रही है। हम बहुत एक्साइटेड है। मामा को बहुत सारा प्यार। तानिया सोनमन।